हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है अभी। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हम अभी बस सर ज्वाइंड हो रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। हाँ आपको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आ रहा है ऑप्शन। आ रहा है ना? हाँ ओके सर, ठीक है। हेलो। ना हाँ अफजल सर, वो राजेंद्र सर ज्वाइन हो रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है वो। अच्छा, अभी ज्वाइन किया था अभी शायद। हाँ वो लीव कर दिया था ओके ओके, मेरा भी ड्रॉप हो गया था, पता नहीं क्यों। हेलो। हाँ राजी जी, आवाज आ रही है आपको? गुड हाँ जी, गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड इवनिंग। आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अभी आ रही है? अभी बेटर है, बेटर है। यस ओके, तो टीम आपकी ज्वाइन हो गई? एक मिनट, एक एक कर ही रहे अभी है ना। मैं अभी साथ में ही बैठा हूँ उनके। ठीक है ठीक है। अभी है ना, कौन कौन है साथ में अभी वहां से, आपके यहाँ से? हाँ हम लोग हैं, करण है बेसिकली। करण देगा ट्रेनिंग। और मेन तो यानी शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आपको एक्सेस हो रहा है क्या, वो चेक करिए ना। हाँ हाँ हो रहा है, एक्सेस है। हो रहा है ना? हाँ ओके, नहीं क्योंकि मैं यहाँ से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला आपको एक्सेस है कि नहीं, देख लीजिए। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम है एक्सेस। करण वो एफओ ऐप वगैरह रेडी रखना। हाँ चलो तो अभी यानी दो स्क्रीन से अभी हम लोग ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ से, तो ठीक है नो इश्यूज। एक फिर और दिख हम रहा है कॉटन गुरु टीम करके, एक और लॉगिन दिख रहा है। उदो होप है जो ऑफिस से ज्वाइन है यानी, हाँ, ठीक है और ठीक। मैं राजेंद्र करके नाम से दिख रहा होगा मैं, हाँ हाँ आपका राजेंद्र के नाम से आ रहा है। और एक और डिवाइस ज्वाइन होते ही हम लोग चालू कर देंगे। एक दो ठीक मिनट है ही है, तो नो इश्यूज। ओके ओके बंद है कनेक्ट।
हेलो अफजल जी जी। आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ आ रही है। गलती से ना आपको होस्ट कर दिया है, वो कॉटन गुरु टीम को होस्ट कर दीजिए ना साथ में। हाँ अच्छा, एक सेकेंड, मोर में जाके होगा क्या? नो, यहाँ तो नहीं। हाँ गलती से आपको होस्ट कर दिया गया है। ओके ओके, वेट वेट, आई चेक इट। ये थोड़ा मुझे भी इसमें आइडिया मोर में देखिए, या फिर वो पार्टिसिपेंट का ये है ना लिस्ट। स्विच लाइव टू स्ट्रीम, तो लाइव स्ट्रीमिंग है इसमें, तो मोर में तो नहीं 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 है। हाँ पार्टिसिपेंट का लिस्ट है ना अफजल जी। हाँ पार्टिसिपेंट के लिंक में कॉटन गुरु के सामने 3 डॉट होगा, देखिए वहां हाँ, से को-होस्ट करिए ना उनको। कॉटन ठीक है। कॉटन गुरु वाले को करना है। गुरु टीम को, यानी कोई नेटवर्क का इशू हुआ ना तो एक बैकअप के हिसाब से, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगा ना। हाँ, मेक अ को होस्ट, राइट? राइट राइट। ओके, डू यू वांट टू मेक देम को होस्ट फॉर दिस मीटिंग? यस, ठीक है, डन। ठीक है चालू करते हैं। मेरे डिवाइस से ही वो कनेक्ट हो रहा है। हाँ ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ हाँ, चलेगा। ठीक है, तो हमारे टीम से करण करेगा, पुष्पा भी ज्वाइन किए हैं, बट करण विल टेक ओवर। करण, हाँ हिंदी सर, में रखना है पूरा, ठीक है? हाँ, ओके। हिंदी तो हिंदी में ही करूँ ना सर? या तो ओके एफओ एप्लीकेशन का पूरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर, फिर फार्म को कैसे करना है, टैगिंग कैसे करना है, ठीक है? पूरा ये ठीक डिटेल में जाना है, ठीक है? पूरा फ्लो उसको दिखा देना, एक एक करके बता है। मुझे ऑप्शन आ देना। रहा है कि ओनली द होस्ट कैन शेयर इन द मीटिंग, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन द मीटिंग। हाँ अफजल जी शेयर शेयर केस में देखिए डाउन अप एरो दिख रहा होगा आपको, वहां पे हाँ मल्टीपल का ऑप्शन होगा तो ओके हाँ, मल्टीपल का मल्टीपल ऑप्शन कर पार्टी, दीजिए। ठीक है ठीक है, मैंने कर दिया उसमें, ठीक है। हाँ करें, आप देखो, ऑप्शन ट्राई में करो। देखिए। हाँ हो रहा है। ठीक है, ओके। हाँ दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ मोबाइल ओके स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ओके। सो बेसिकली ये हम लोग का फार्मसियो का फील्ड। करण जी हेलो, ऐप हाँ पसंद शुरू करा ना प्ले स्टोर मधून। अच्छा, प्ले स्टोर बसून। एक्चुअली आम्ही आमचा फार्मसिओचा ऐप देतोय डेमोला। ओके ठीक है चालेल। मी तुम्हाला तरी दाखवतो दो कॉटन गुरुचा, एक सेकंड। हो तुम तो हाँ, आई थिंक करण तो मराठी में भी कर सकते हैं, अगर मराठी में करना है हाँ, तो। मैम मराठ या मराठी विल डू देन। हाँ, ठीक है, तो नहीं अभी कोई इशू करण नहीं, बो, मराठी हिंदी कोई इशू नहीं है चलेगा। अभी उनका हाँ नाम पढ़ा इसलिए मराठी में बात की मैंने। हाँ करेक्ट करेक्ट, नो नो, हाँ ही नोज मराठी, एक्चुअली ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली। सो करण, व्हाट यू डू ना, इस सारा पूरा दिखाना है कि कॉटन गुरु ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है? मतलब वो उसमें जाके फिर लॉग इन कैसे करना है, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स आल्सो यू शो ना, सो दैट दे अंडरस्टैंड प्रॉपरली, एंड देन यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट। उसको ओपन कैसे करना है, थोड़ा स्लो जाना, ठीक है? डोंट गो वेरी फास्ट, ठीक सो है। सो दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड। मेरे पास, मेरे को परमिता बोली कि अपना फार्मसियो नहीं का ही ठीक दिखाना, है, तुम ठीक है ना? बेसिकली यहाँ पे ये दिखा दोगे कैसे डाउनलोड होगा, कैसे करना है, कैसे सर्च करना है, ठीक है ठीक है मतलब ठीक जरूरी नहीं है तुम डाउनलोड करो, वो है। हाँ हाँ सिमिलर ही ठीक, है वो। ठीक है चलेगा ओके चलेगा। ओके। हाँ तो पहले हम लोग को प्ले स्टोर पे क्लिक करना है, और प्ले स्टोर पे यहाँ पे कॉटन गुरु का अगर डाल दिया तो आ जाएगा वो एप्लीकेशन जो रहेगा एफओ का, यही है। हाँ तो इसमें 3 एप्लीकेशन आपको कॉटन गुरु का दिखेगा वहां पे। एक बार पीछे जाओ करण, पीछे जाओ। हाँ तो यहाँ पे जो कॉटन गुरु एफओ वाला है ना, ये वाला डाउनलोड करना है आपको। 22 MB का, इसमें लिखा है कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन वाला फील्ड ऑफिसर, तो फील्ड ओके ऑफिसर ठीक वाला डाउनलोड करना है। ठीक है है। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके। ओके, फिर उसके बाद जैसे कि आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले, एक सेकंड में लॉग इन ही करके दिखाता हूँ आपको, ये ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। एक सेकंड में डाल दूँ। यूजर नेम और पासवर्ड हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, ऑलरेडी कर लिया है, तो वो यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालेंगे आपने और जो ईमेल। इमेज भेजा है वही ना?
हाँ, वो सबका है ठीक है, नंबर डालना है, नंबर यूजर ने आईडी जो हो गया, नंबर हो गया, फिर पासवर्ड जो दिया है वो पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे जो नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद वो अफजल जी लॉगिन। उसमें से एक नंबर बोलिए ना करने के लिए लॉगिन। राजेंद्र जी अच्छा ठीक है, तो फिर वो हमें कॉटन गुरु वाले में ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करो करण, तुम हाँ सर, कॉटन गुरु FO डाउनलोड कर लो ना, ओके। हाँ तो वो हो रहा है कि नहीं वो भी पता चल जाएगा ना साथ में। हाँ 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 ठीक है नो इश्यूज। उसी में लॉग इन कर दो फिर तुम। ठीक है, आईडी उनके पास भी दिया होगा ना? हाँ मैं आईडी बोल देता, मैं दे देता हूँ करण को। करण मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, उसमें से एक कोई भी आईडी देख के ना, टीम्स ठीक पे डाल रहा हूँ मैं तुम्हें, टीम्स पे। ठीक है, है सर, भारत सिस्टम नंबर कॉटन ग्रो पेड ऑफिसर मान। जय जय लॉगिन आईडी पासवर्ड में तुम्हारा देखो प्रत्येक का। गिव मी अ सेकंड प्लीज। जेनर में एक बार में से कोई सा भी एक लॉग इन कर लो, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड दिया। यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये बाय एक्सेप्ट, बाय साइनिंग ऑन एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके बाद साइन ऑन पे। तो ये मेन स्क्रीन है, अभी मैंने विशाल करके जो है उनके इससे लॉग इन किया है। और फिर यहाँ पे हम लोग को अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि एनरोलमेंट है, एग्री सेल्स है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केट प्लेस, सर्वे रिपोर्ट्स, एग्री एक्टिविटी एंड फार्मर क्वेरी। और इधर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको व्यू प्रोफाइल में वो फील्ड ऑफिसर का पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा, जैसे कि फार्मर लिस्ट दिख जाएगा, अगर फार्मर्स ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पे, वहां से वो जो जो फार्मर्स वो फील्ड ऑफिसर ने ऐड किया है वो दिख जाएंगे। तो हम लोग अभी फार्मर एनरोल करेंगे, तो उसके लिए जो एनरोलमेंट का ये पहला बटन है वो उस पर क्लिक किया तो हम लोग को तीन ऑप्शंस आता है। फर्स्ट वन इज ऐड फार्मर, सेकेंड वन इज ऐड कल्टिवेशन और ऐड फार्म लैंड। तो सबसे पहले हम लोग फार्मर ऐड करेंगे, तो ये ऐड फार्मर पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट फार्मर डिटेल्स आ जाएंगे। तो उसमें पहले है लॉग इन डिटेल्स, तो उसमें फार्मर का फर्स्ट नेम ऐड करना है, जैसे कि अभी मैं ऐड करता हूँ, लास्ट नेम ऐड किया, फिर कांटेक्ट नंबर्स, ये जो रेड स्टार दिख रहा है उसमें उसका मतलब है कि दो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को कंपलसरी डालनी है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। तो रेड वन जो है सब मार्क किया हुआ वो कंपलसरी है। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, ये ऑप्शनल है ना? हाँ ये सब ऑप्शनल है, ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी। फिर यहाँ पे फार्मर डिटेल्स ऑटोमेटिकली, करण जी पर ये अगर फार्मर्स अपने ऑलरेडी इसमें है, अपने ऐप में है, फार्मर के डाटाबेस हाँ में, तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं ये फील्ड ऑफिसर? हाँ कर सकता क्योंकि अभी ये जो काम करने वाले अपने जो प्रोजेक्ट के फार्मर के साथ ही है, प्रोजेक्ट के फार्मर्स का पूरा लिस्ट मैं ऑलरेडी परमिता मैम के साथ शेयर कर चुका हूँ है। और ओके उन्होंने हाँ अपलोड कर दिया है वो। वो अच्छा, आप वो नहीं ठीक है राजीव जी, अगर वो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, तो हम क्या करेंगे ना, जो ये जो फील्ड ऑफिसर है इनमें डिवाइड कर देंगे इक्वली, अगर या तो आप बता दें कि कैसे डिवाइड विलेज करना वाइज है। है ना अपना, विलेज वाइज है, हर हर जो 5 अभी आईडी क्रिएट किए ना, हर एक गांव को रिप्रेजेंट करता है बंदा। अच्छा, तो
फिर वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग दोबारा से करना, क्योंकि और अगर इनको डिटेल डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है। वही पूछ रहा था, जैसे अभी आपने अभी विशाल का किया था, दहेगांव के जितने फार्मर्स है, अभी 118 फार्मर्स है दहेगांव के, हाँ, तो दहेगांव को रिप्रेजेंट विशाल कर रहा है अभी, जिसका लॉगिन आपने किया है। तो आप हमें ये बता देना कि कौन कौन से गांव को किन किसके साथ मैप करना है, तो हम उसके साथ मैप कर देंगे ना, तो यहाँ पे फिर वो ऑटोमेटिकली लिस्ट आ जाएगा अलग से दोबारा ऐड। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ अभी, ये मीटिंग के बाद तुरंत कर देता हूँ। फिर ऊपर में दिखेगा, करण पीछे जाना, बैक जाना एक बार, यहाँ पे व्यू और एनरोल्ड फार्मर दिख रहा है ना यहाँ पे ऊपर वाला टैग, तो इसमें अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके पूरा लिस्ट आ जाएगा कौन कौन सा फार्मर के साथ उसको विशाल है, तो विशाल दहेगांव के पूरे फार्मर इसमें आ जाएंगे। यस यस, अभी जीरो है क्योंकि इसमें कोई फार्मर मैप नहीं हुआ है, तो अभी इसका तो उसमें एडिट भी कर सकता है वो जाके। ओके, तो एक बार एक मैंडेटरी फील्ड के साथ क्रिएट कर दो ना करण। हाँ मैं कर दूंगा, मैंडेटरी मैंडेटरी डाल दो, और फिर एक बार एडिट कैसे कर सकते हैं तो वो दिखाना है, कुछ उसमें एडिशनल डिटेल बाद में भी डालना है तो डाल सकते हैं, फिर मैंडेटरी भर दो वो क्रिएट हो जाएगा। हेलो हेलो, दाखवते बगत आहेत करण। अच्छा अच्छा ओके, तरे फार्मर डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पे, नेम जेंडर जो सिलेक्ट करेंगे वैसे, फिर रिलेशन टाइप है, जैसे कि अगर किसका रहेगा तो फादर मदर या स्पाउस ऐड कर सकते हैं, तो उनका डिटेल्स डाल सकते हैं यहाँ पे। तो पर है फील्ड ऑफिसर शी रिलेशन है कि कैसा है, मुझे रिलेशन नहीं नहीं किसके साथ है। हेलो, हेलो, हाँ है, रिलेशन किसके साथ ये है। फैमिली मेंबर का किसी का भी डाल सकते हैं वहां पे। नहीं पर ये अभी फील्ड ऑफिसर का देख रहे हैं ना, फील्ड ऑफिसर के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा ना नहीं उनका, नहीं तो नहीं फार्मर के डिटेल्स है ये। ओके, तो सुनील कोपकर जो है वो मेल है, हाँ तो उसका मेल है, रिलेशन उसके साथ का कोई रिलेशन रहेगा जैसे कि फादर रहेगा उनके, तो उन रिलेशन उनका नाम डाल सकते हैं, जैसे ओके कि ठीक जो भी है उनका नाम रहेगा और उनका नंबर रहेगा तो नंबर डाल सकते हैं ठीक है। वैसे। फिर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स है अगर कुछ ऐड करना रहेगा तो, जितने रहेंगे ये सब फिर। ऑप्शनल है। हाँ ये सब ऑप्शनल है, मैरिटल स्टेटस रहेगा अगर शादीशुदा है नहीं है, फिर हाउसिंग ओनरशिप रहेगा कि जैसे कि रेंट पे रह रहे, लीज पे रह रहे या खुद का घर है, तो घर का ठीक है टाइप है जैसे कि पक्का घर है, रूफ टॉप है या फिर कच्चा है, फिर ये सब है। बाकी के डिटेल्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है, लोन अगर लिया है, या फिर कौन सा एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या है अगर रहेंगे तो, फिर ये नेशनल आईडी है, आधार कार्ड अगर सिलेक्ट ऐड कर करने का सकते ऑप्शन है, हैं। जैसे अभी एनिमल हस्बेंड्री में कुछ है तो वो ऐड कर सकता है क्या। हाँ अभी तो यही है पर कर सकते हैं हम लोग उसको अगर करना रहेगा तो, मतलब अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद नीचे नंबर आएगा कि काउ कितना है, बफेलो कितना है वैसे। ओके ठीक है, और ये नेशनल आईडी कंपलसरी है। हाँ ये आईडी नंबर कंपलसरी है जैसे कि आधार कार्ड नंबर डाल सकते। ठीक है, ये तो अभी जैसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है तो वो देने की जरूरत नहीं अभी है, हाँ वही वो वही। कंप्लीट होने के बाद। फिर फार्म आइडेंटिटी, फार्म लैंड आइडेंटिटी, जैसे कि हम लोग का खासरा नंबर रहता है या फिर सर्वे सात नंबर बारह नंबर 7/12 एक्सट्रैक्ट रहता है, तो वो सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो फोटो निकाल के अपलोड भी हो जाएगा वो। अपलोड काय काय करू शकता ते दाखवताय सर, सर्वर कसं देणार आहेत लोक, सर्वर ऑप्शनल आहे, तुम्ही काय काय करू शकता त्या ॲपमध्ये ते दाखवताय, तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही समोर विचारा। उसके बाद लैंड डॉक्यूमेंट का कैप्चर भी कर सकते हैं जो यहाँ पे एनरोलमेंट मतलब प्लेस है वहाँ। मैंडेटरी वो करो बस, ये रहने दो। ये रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा करण है। हाँ स्क्रीन सर गिरी करण जी,
हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ मैंडेटरी बढ़ो फिर, सिर्फ मैंडेटरी। ठीक हाँ जी है, तो एक काम करो उसमें डेमो वाले में दिखा दो क्या। हाँ डेमो में दिखा देता सेम ही है ना स्क्रीन तो। हूँ। सेम है। हाँ एरर रहता है क्या, एरर आ रहा है क्या कुछ? हेलो नहीं एरर नहीं है, वो मेरे फोन का प्रॉब्लम है। कौन ओके ठीक सा प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कॉटन गुरु ऑटोमेटिक आ गया है। तो उसके बाद एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री सिलेक्ट किया इंडिया, स्टेट सिलेक्ट किया अभी महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया सपोज पुणे, ब्लॉक है तहसील ऑप्शनल है। पिन पे अगर वो मैप, ये जो मैप है उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके, या ऑटो पिन हो जाता है वो लोकेशन। और फिर सेव ओके एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो उसका जो लोकेशन है वो पिन हो जाता है फार्मर का। तो उसके बाद यही डिटेल्स है, टाउन विलेज स्ट्रीट पिन कोड, फिर फार्मर का फोटो कैप्चर कर सकते हैं, ये प्लस पे क्लिक किया तो फोटो आ जाएगा। और अदर डिटेल्स सच एज बैंक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लेना रहेगा तो पूरा बैंक का डिटेल्स, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट का नेम वगैरह, वो सब डाल सकते हैं। और स्कीम एंड ये नॉमिनी डिटेल्स ऑप्शनल में सब है करंटली, स्कीम ये का, ऑप्शनल है ना? हाँ ये सब ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। नहीं उसमें स्टार मार्क आ रहा था ना क्योंकि। हाँ नहीं अगर बैंक इन्फॉर्मेशन पे ऐड करना रहेगा तो करना पड़ेगा, ओके ठीक नहीं किया है ठीक तो कंपलसरी नहीं है। और नीचे ओके सिर्फ आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अगर मशीन अलाउ रहेगा आपके पास तो वो अटैच कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ले सकते हैं, ये कंपलसरी है, उसके बिना होगा नहीं। ऐसे कम साइन स्क्रीन पे करके सेव सिग्नेचर करके सबमिट पे क्लिक किया तो फार्मर रजिस्टर हो जाएगा। ओके ठीक तो ऐसे मैसेज आ जाएगा फार्मर एडेड सक्सेसफुली। तो ये है आप यहाँ पे व्यू ऑल एनरोल्ड फार्मर्स में देख सकते हैं, देखो अब वन आ गया, तो ये सुनील ओके कुपकर करके कॉटन गुरु आ गया। तो अगर इसको एडिट करना रहेगा तो साइड में तीन बटन है, ऐसे तीन डॉट्स है, उस पर क्लिक किया तो एडिट फार्मर डिटेल्स आता है, तो पूरा फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा और वी कैन एडिट, कोई भी जो भी एडिट करना रहेगा फिर से सबमिट किया तो वो अपलोड हो जाएगा फिर से। ओके और यहाँ पे पूरा लिस्ट दिख जाएगा उनको जो जो है, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा फार्मर का लिस्ट पूरा, वो फील्ड ऑफिसर के नाम पे जो जो है। तो इसके बाद एनरोलमेंट होने के बाद, अभी फार्मर ऐड हो गया तो उसके बाद फार्मलैंड ऐड करना है उसका, जो जमीन है वो, तो उसके लिए ऐड फार्मलैंड पे क्लिक करेंगे तो उसमें अभी फार्मर रजिस्ट्रेशन है, तो सिलेक्ट फार्मर पे वो फार्मर का ड्रॉप डाउन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी सुनील कुपकर है तो फार्मलैंड को हम लोग नाम दे सकते हैं कोई भी, अगर टोमेटो का खेती है तो अभी तो कॉटन है तो कॉटन 111 ऐसा कुछ तो नाम दे सकता है। लैंडमार्क कंपलसरी नहीं है, सिटी कंपलसरी है, जैसे कि कोई भी सिटी, मुंबई ले लिया। ब्लॉक तहसील विलेज पिन कोड इज कंपलसरी, पिन कोड कंपलसरी डालना है। पर ये अभी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना वो फार्मर के साथ, क्योंकि हाँ अभी फार्मर का सर्च नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर सिर्फ फार्म नेम जो है हर एक, नहीं अभी पर एक सिटी फार्मर वगैरह के, सभी शेयर किया हुआ है ना। हाँ वो तो आपने अगर शेयर किया रहेगा ना फार्मर का डिटेल्स तो आ जाएगा ऑटोमेटिक। पर कैसे ओके होता है कि अगर फार्मर एक जगह पे है और उसका फार्मलैंड अलग जगह पे, तो इसलिए ये ऑप्शन है कि बाबा वी कैन सिलेक्ट कहाँ पे उसका फार्मलैंड, ये फार्मलैंड का डिटेल्स है सब। ठीक है तो विलेज आ गया, पिन कोड आ गया, तो फिर पिन फार्म को पिन करना है हम लोग को, जैसे कि कहाँ पे फार्म है, तो यहाँ पे भी वाइल यूजिंग द ऐप करना है तो यहाँ पे पिन हो जाएगा, अगर जूम कर लिया तो वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, सेव हो गया तो यहाँ पे रिमार्क्स ऐड हो गया। और उसके बाद फिर फार्म डिटेल्स है, फिर फार्म डिटेल्स में लैंड ओनरशिप है, जैसे कि अगर लैंड खुद का रहेगा तो ओन रहेगा, और रेंट रहेगा तो रेंट, और लीज पे रहेगा तो लीज। फिर फार्म लैंड आइडेंटिटी, जैसे कि लैंड सर्वे नंबर रहेगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं,
कंपलसरी नहीं है नंबर डालना, सिर्फ सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ है आपके पास, एक तो खासरा नंबर है या फिर लैंड सर्वे नंबर है। फिर लैंड डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करने रहेंगे तो कर सकते हैं। तो आगे है ये कैप्चर फार्म कोऑर्डिनेट्स करके, तो यहाँ जो अपनों को जीपीएस का टैग दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो मैप खुल जाएगा ऐसे, और हम लोग को अभी ये फार्म पूरा ये करना है, मतलब टैगिंग कर रहे हैं। तो कैसे करनी है, ये जूम इन कर दिया तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, ड्रॉ, क्लियर और रीसेट। तो पहले मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगा, तो ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा ग्रीन कलर का पॉइंटर आ जाएगा, तो पॉइंटर okay. पूरा मूवेबल है ऐसे। तो अगर मेरे को ये मेरा सपोज फील्ड है तो या एक कोने पे जाके मैं प्रेस कर दूंगा और ऐड बटन पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे नीचे, एक एक करके ही दिखाइए ना सामने सामने। हाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये ऐड दिख रहा है क्या आपको? स्लोली हाँ, बट हाँ दो पॉइंट हो गए अभी। हाँ नहीं, अभी पहला पॉइंट ड्रॉ पे क्लिक किया मैं, ये कॉर्नर पे गया है, फार्म के चार कॉर्नर रहते हैं बराबर, चार एक कॉर्नर पे गया, ऐड ऐड पे क्लिक किया तो रेड मार्क आ गया। फिर दूसरे फार्म, अब सपोज ये फार्म है तो दूसरे इस पे गया, इधर ऐड पे क्लिक कर दिया, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर नीचे आके ये तीसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर से ऐड पे क्लिक करूंगा, ये तीसरा आ गया। और सपोज इधर है चौथा पॉइंट, तो इधर आके ये चौथा पॉइंट है, यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक किया तो ये चौथा पॉइंट आ गया। तो ये पूरा फील्ड है मेरा तो वो मार्क हो गया पूरा चार पॉइंट। ओके तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरिया जो है वो आ जाता है हेक्टर्स में और एकर्स में, पेरीमीटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऊपर आप देख रहेंगे वो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। और फिर सेव पे क्लिक करना है, तो सेव पे क्लिक करेंगे तो प्लॉटेड इधर प्लॉटेड करके आ जाएगा, मतलब वो प्लॉट हो गया पूरा अपना फील्ड। ओके ठीक है। और ये जो टोटल लैंड होल्डिंग एरिया है 0.03 हेक्टर और नीचे हेक्टर करके आया है, तो वो प्लॉटिंग हम लोग जिस जैसे करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा वो। ओके और उसके बाद फिर फार्म का इमेजेस हम लोग ले सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्म का फील्ड पे जाके फोटो ले सकते हैं सब साइड से। और फिर वो फोटो हम लोग वेब एप्लीकेशन थ्रू देख सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन है लैंड ग्रेडियंट, तो ये अपलैंड, लोलैंड या एलिवेटेड है, जैसे भी लैंड रहेगा उसका है। फिर उसके बाद फार्म सर्टिफिकेशन अगर कोई रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक वगैरह, आईसीएस नंबर अगर ऐड करना है, बफर जोन वगैरह रहेगा या फिर प्रोहिबिटेड इंपोर्ट वगैरह रहेगा तो वो सब ऐड कर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है। और सॉइल टेस्ट सर्टिफिकेशन रहेगा या फिर वाटर रिसोर्सेज कौन से है, बोरवेल, ट्यूबवेल, वो सब ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वाटर रिसोर्स डिटेल ये अगर सिलेक्ट कर दिया वाटर रिसोर्स डिटेल आ जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि रेन वाटर है, बोरवेल है या नदी से पानी आ रहा है जो भी है, तो सेव कर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। और फिर पावर रिसोर्स है, पावर कहाँ से आ रही है, जनरेट हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, डीजल है, बायोगैस है या फिर कोई अदर है, ये भी कंपलसरी नहीं है। तो ये सब होने के बाद, सबमिट करने के बाद, ओके यहाँ पे से अल्फाबेट, सबमिट करने के बाद कल्टीवेशन हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस फार्म, यू नॉट अलाउड टू डीएक्टिवेट द फार्म। अभी ये ओके कर दिया तो ये हो गया, फार्म लैंड पब्लिश सक्सेसफुली, तो वो फार्मर का ये फार्म लैंड ऐड हो गया। अभी फार्म लैंड ऐड होने के बाद हम लोगों को वो फार्म लैंड में जो कल्टीवेशन है वो ऐड करना है, तो उसके लिए ये ऐड कल्टीवेशन पे क्लिक करेंगे तो पहले ऑप्शन आएगा कि कल्टीवेशन इन्फॉर्मेशन, तो पहला ऑप्शन है। हाँ कल्टीवेशन ऐड करने से पहले अभी ये जो हमने ऐड किया है वो कहीं देख सकते हैं किया हुआ? हाँ हाँ एक सेकंड, यहाँ पे रिपोर्ट्स करके जो है ना, रिपोर्ट्स, हाँ सर्वे के नीचे, सर्वे के नीचे रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे फार्मलैंड रिपोर्ट आएगा और माय फार्मर्स आएंगे। ओपन करिए तो फार्मलैंड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, बहुत दूर हो जाएगा फिर इसको, तो प्लान करना पड़ेगा वहाँ पे, वो टीम है उनकी। हेलो हाँ सुनील जी, करण जी, यहाँ पे फिर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखो अभी ये ऐड किया था कॉटन फार्म करके, तो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किया है उनको तो मैसेज सेंड कर सकते हैं, या आपसे डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्लिक किया तो एडिट फार्म का ऑप्शन आता है, एक ही फार्मर का अगर मल्टीपल फार्म्स रहेगा
तो यहाँ से और एक व्यू ऑन मैप जो है वो क्या है? हाँ व्यू वो मैप पे आपको दिख जाएगा जो हम लोग ने प्लॉट किया है ना, ठीक है, पॉइंट जो किया है वो दिखेगा वहाँ पे। हाँ वहां से दिख जाएगा वो, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, पर वो अपने पास मेन स्क्रीन पे ऑप्शन है ऐड करने का कल्टीवेशन। तो अभी फार्मलैंड ऐड हो गया, फार्मर ऐड हो गया, तो अभी कल्टीवेशन ऐड करेंगे। तो ऐड कल्टीवेशन पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पहले तो आएगा एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी कॉटन गुरु है, फिर उसके बाद फार्मर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी फार्मर सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसका फार्म सिलेक्ट कर लेंगे। कॉटन टक लेना, कॉटन फार्म। हाँ नहीं मैं इतने फार्मर से नाव शोध तो है। सुनील सुनील अच्छा बोलते हैं ये असल ना फिल्टर टाइप करें तो ऑप्शन नहीं टाइप करें तो ऑप्शन नहीं। हाँ वो टाइप करें तो ऑप्शन डाल देंगे, नहीं नहीं वो ऑप्शन डाल देंगे टाइप करने का, क्योंकि लिस्ट लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होता है फिर। हाँ क्योंकि अभी 4000 फार्मर से ढूंढने में कितना टाइम जाएगा। नहीं नहीं ठीक है करेक्ट करेक्ट, वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, मैं उसको करा देता हूँ इमीडिएटली। मैं आपने इस पे दिखा था इसमें वो आगे जाएगा नहीं उसके। तो यहाँ पे ऐड कल्टीवेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तो अभी कॉटन ग्रो आएगा, मैं इस हम लोग के इस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फार्मर डिटेल सिलेक्ट करेंगे, फिर फार्म लैंड सिलेक्ट करेंगे उसका जो भी अभी कॉटन फार्म हम लोग ने उधर किया था। तो उसके बाद सोइंग डिटेल्स सोइंग डेट आ जाएगी, तो सोइंग डेट सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आज किया रहेगा कल किया रहेगा, तो डेट सिलेक्ट कर लिया। फिर क्रॉप पूछते हैं जो कंपल्सरी है, तो क्रॉप सिलेक्ट कर लेंगे कॉटन। फिर क्रॉप का वैरायटी जैसे कि MCU 5 MCU 10। फिर क्रॉप कैलेंडर ये जो एडेड रहता है प्री एडेड रहता है, तो एक एस्टिमेटेड यील्ड रहता है, उसने कितना एक्सपेक्टेड है कि इतना इतना यील्ड आएगा केजीज में, यार केजीज में रहता है, केजी क्विंटल टन या ग्राम्स का है, तो उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते कौन सा भी, सपोज 200 का ये किया। फिर कल्टीवेशन टाइप में मेन क्रॉप है, बॉर्डर क्रॉप है या इंटर क्रॉप है, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि तो मेन क्रॉप सिलेक्ट कर गया। फिर उसके बाद फार्म कोऑर्डिनेट्स ऐड करना रहता है, तो वही सेम प्रोसीजर है, वो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से जूम इन करके फिर से ये ड्रॉप पे सिलेक्ट करके ये ग्रीन कर्सर आ जाता है। ये तो ऑलरेडी दिखा दिया सेम। हाँ तो दूसरा इसमें वॉक अराउंड वाला भी है राजेंद्र जी, हाँ इसमें ना वॉक अराउंड वाला ऑप्शन भी है, वो बता दिया ना करण? नहीं बताता हूँ ये दो बार करना पड़ेगा। नहीं नहीं ये एक्चुअली क्या है ना, एक तो फील्ड हो गया आपका, फील्ड आपने मैप कर लिया ठीक है, तो एक सीजन में तो एक ही बार करना है, पर नेक्स्ट सीजन में हो सकता है वो दोबारा से मान लो क्रॉप चेंज कर रहा है तो फिर उसको दोबारा करना पड़ेगा, अगर क्रॉप चेंज नहीं कर रहा है तो ठीक है सेम से काम सेम से हो जाएगा। ऐसा हो रहा है ना देखिए, फार्मर को फार्मर के साथ हम एक फार्म जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है एक फार्मर पे दो फील्ड हो, तो एक में वो कोई दूसरे वैरायटी ऑफ कॉटन लगा रहा है, दूसरे में दूसरा लगा रहा है, लेट्स से मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, या कुछ दूसरी क्रॉप, तो अगर आपको सारा क्रॉप करना है तो इसलिए अलग अलग को
फील्ड को अलग कौन सी क्रॉप से मैप कर रहे हैं इस टाइम बेसिकली, इस तरह से करना है इसको। ये क्रॉप वाला ही है ना करण? कल्टीवेशन क्रॉप का ही है। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो इसमें और एक मेथड है वॉक अराउंड करके, ये जो अपने दो ग्रीन सर्कल दिख रहे हैं ना, तो बेसिकली इसमें इसलिए दिया है क्योंकि एक ही फील्ड में हो सकता है वो दो क्रॉप कर रहा हो ना, तो फिर दिक्कत आ जाएगा अगर हम नहीं देंगे ये ऑप्शन। तो अगर हम दो क्रॉप कर रहा है एक फील्ड में, दो एकड़ का फील्ड है या चार एकड़ का फील्ड है, तो आधा ही करना है उसको कॉटन, आधे में कुछ और कर रहा है पर आपको कॉटन से मतलब है, तो लेट्स से देन आपको आधा ही प्लॉट करना है ना, तो ये जो प्रोजेक्ट में उतना ही करना है। हाँ, तो दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई हम लोग इसको अलग से मैप करने को तो बोल रहे हैं कि आप कल्टीवेशन को अलग से मैप कर लें उसके साथ। ओके, तो ये क्या होता है वॉक अराउंड थ्रू, जिस नीचे का ग्रीन कलर का सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा वो, फिर जूम करके अभी ये मेरा पोजीशन है तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं चलूंगा फार्म के सराउंडिंग तो वैसे वैसे वो मार्क हो जाएगा, और मैं स्टॉप क्लिक कर दूंगा तो तो ये स्टॉप कर देने के बाद वो जहाँ पे स्टॉप हो गया वहां पे फिर ऐड करके फिर सेव कर सकता है। तो मैं ऐड कर, तो ये सेव कर दिया सपोज, तो ये सेव करने के बाद यहाँ पे प्लॉटेड आ जाएगा, फिर अगर कोई सीड ब्रांड और सीड क्वांटिटी वगैरह सब ये सब अगर डिटेल्स ऐड करने आएंगे तो ऐड कर सकते हैं, सीड क्वांटिटी केजीज में या फिर क्विंटल टन ग्राम वो उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर प्लांटिंग एरिया जो रहेगा वो प्रपोज प्लांटिंग एरिया रहेगा वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाता है, और टोटल लैंड होल्डिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, इसका यूनिट सिर्फ हेक्टर सेम रखना है हमेशा, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है तो फार्म ऐसा मैसेज आ जाएगा कि फार्मर कल्टीवेशन एडेड सक्सेसफुली। तो ये है मतलब फार्मर कल्टीवेशन और फार्मलैंड का, और ये एनरोल्ड फार्मर्स में आप पूरा लिस्ट ऐसे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे देख सकते हैं, डेट भी दिख जाएगा आपको कि कौन से डेट पे ये हो गया, फिर फिल्टर करके ऑप्शन है तो आज कितने फार्मर्स हुए, ये वीक में कितने हुए, लास्ट 30 डेज में अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं कितने फार्मर्स हो रहे एनरोल। ठीक है अफजल जी। जी जी, जैसे अपना लास्ट बात हुआ था कि हम डिसीज के फोटो भी अपलोड कर सकते हैं इस पे। किसके फोटो? डिजीज। नहीं नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। खेत में अगर कोई अच्छा डिजीज अच्छा हाँ। अच्छा डिजीज के फोटो, ओके ओके, हाँ हाँ वो डिजीज के फोटो उसमें है बेसिकली क्वेरी मॉड्यूल में। हाँ यहाँ पे कर सकते हैं एक्चुअली, देखो यहाँ पे फार्मर क्वेरी करके है नीचे, राजेंद्र जी दिख रहा है हाँ, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये ओपन हो जाएगा, तो फार्मर ग्रुप सिलेक्ट करना है जैसे कि अपना कॉटन गुरु का रहेगा कॉटन का, फिर विलेज सिलेक्ट करना है, फार्मर का नाम सिलेक्ट करना है, फार्मलैंड कौन से फार्म में आपको डिजीज का है तो उसका फोटो निकालना है वो फार्म, फिर क्रॉप जो है सपोज कॉटन है तो उसका स्टेज कौन सा है जैसे कि इरिगेशन वेडिंग जो भी है फर्टिलाइजेशन टॉपिंग वगैरह है, तो यहाँ पे आप क्वेरी टाइप कर सकते हो अपना जो भी है डिजीज पेस्ट अटैक जैसे कि जो भी है वो टाइप कर सकते हो, और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है जैसे कि माइक्रोफोन चालू करके वो फार्मर अपना जो भी है तो रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकता है, या फिर इमेजेस भी है तो वो क्रॉप का इमेज निकाल के जो डिजीज है उसका इमेज निकाल के अपलोड कर सकते हैं, तो तीन ऑप्शन है इमेजेस के टोटल।
और नीचे फिर क्रॉप रोटेशन मेंटेन किया, ऐसे तीन चार क्वेश्चन है जो भी कंपलसरी नहीं है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन मेंटेन किया है, डिजीज नोटिस है, दिख रहा है क्या नहीं, पेस्ट दिख रहा है कि नहीं, और अटैचमेंट्स भी है अगर कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी रहेगी, और वो यानी अभी पहले से ही फोटो निकाल के आया होगा तो वो अटैच कर सकता है यहाँ पे। हाँ बराबर बराबर, और अभी एक्टिव स्टेज में है क्या वो नहीं है तो सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं, फिर वो क्वेरी फील्ड ऑफिसर से वेब एप्लीकेशन में आ जाएगी और फिर वो एक करके ऑर्गेनाइजेशन। दिखाओ ना करण जी, एक सेकेंड एक एक सेकेंड, हाँ अभी कोई भी फोटो। तो इमेज अपलोड हो जाएगा ऐसे, अगर मैं सिलेक्ट किया अटैचमेंट में स्क्रीनशॉट दिया, देखो मैं ये अटैच हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड आ गया, वहां पे वो अटैच का सिंबल आ गया, फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो क्वेरी एडिट सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है, और ये दिखेगा कहाँ पे? ये वेब पोर्टल में दिख जाएगा आपको ऑर्गेनाइजेशन को। ये तो बेसिकली या तो जैसे वेब वाला जो लॉगिन है ना, या तो आपका हाँ, कॉटन गुरु का या एंटिटी का एफपीओ, लॉगिन जो है वो एफपीओ का भी हाँ कर सकते हैं उसमें लॉगिन, तो जैसे ठीक भी है। आपको करना है वहाँ पे एक सेक्शन है पूरा क्वेरी तो का। इसका पॉपअप होगा अफजल जी, अपना मेन क्वेरी पहले भी वही था कि इसका पॉपअप आएगा कि कैसे है? हाँ, क्वेरी में जाके मतलब जो मेन उस पे आ जाएगा, क्या पॉपअप बोलते हैं, आएगा ना? ठीक जी 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 करेक्ट। है, तुम्हारा तक कहीं अच्छा प्रश्न दूसरा काम में। टेंशन नाव तुमच्या ऐड करून मिळणार आहे, शेतकऱ्यांचे नाव ऐड झालेले आहेत ऑलरेडी, विलेज वाइज आता ते तुम्हाला सेक्शन मिळणार आहे, आता तुम्हाला तुमच्या फार्मरचा करायचं, त्याच्यात तुम्हाला काही अडचण येणार आहे का आता जे दाखवलं? ऑफलाइन आहे की ऑनलाइन? ऑनलाइन आहे ना अफजल जी? हेलो, ऑफ हेलो, हाँ हाँ राजेंद्र जी, अगर कहीं जगह पे नेट नहीं नेटवर्क का होगा तो इश्यू ऑफलाइन नहीं हुआ तो? चलेगा क्या? हाँ तो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे ऑफलाइन सेटिंग्स करके भी हाँ है, ऐसा तो दिख रही है। हाँ तो ऑफलाइन सेटिंग्स में अगर क्लिक करेंगे तो आप वो एरिया का पूरा मैप जो है वो डाउनलोड कर सकते करके हैं दिखा एक दीजिए बार। ना, एक हाँ एक करके दिखा सेकेंड, दीजिए। हाँ वो ऑफलाइन करके दिखा नहीं पाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा सकता है कि डाउनलोड करना है, क्योंकि ऑफलाइन करेगा तो वो स्क्रीन से चला जाएगा प्रॉब्लम। नहीं पर एक कई जगह वर्बली पे नेट नहीं रहता ना, कैसे करना है वो हाँ तो नहीं कैसे करना है अभी? नहीं नहीं उसमें सिर्फ देखिए, इसमें जो दिखा रहा है ना करण, ऑफलाइन एक बार वापस जाओ मेन पेज पे, साइड में जाना है, तो ये एक टाइम का वन टाइम एक्टिविटी है ये, जस्ट फर्स्ट टाम जब करेंगे ना, ऑफलाइन सेटिंग्स में जाना है, ओके ऑफलाइन सेटिंग्स क्लिक करो, तो यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है ना, तो यहाँ डाउनलोड का बटन दबा देंगे ना जैसे ही, बस वो जितना हाँ भी डेटा उसको चाहिए ना ऑफलाइन यूज करने के लिए, तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ये वन टाइम है बस, इसको ओके ज्यादा हाँ कुछ बार बार नहीं करना पड़ेगा। और एक आपको जो मैप है ना आपका, गूगल में जाके मैप को भी डाउनलोड करना पड़ेगा आपको ऑफलाइन, उसमें एक बार दिखा दो गूगल मैप्स में, एक्सलेंट। गूगल मैप वाला रहता है ना फोन में, तो वहां पे यहाँ से एक ऑप्शन रहता है ना ऑफलाइन मैप, जिससे कि जब आप खोले तो ऑफलाइन मैप यहाँ आ पे देखो जाएगा। ऑफलाइन मैप्स जो है तो उस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट योर ओन मैप करके ऑप्शन आता है यहाँ पे पहला, तो सिलेक्ट योर ओन मैप करेंगे तो ये सपोज मेरे को अभी एक्स वाई जेड एरिया है, तो ये एरिया का पूरा मैप का मुझे ऑफलाइन चाहिए, तो मैं डाउनलोड कर दूंगा तो फिर वो मैप डाउनलोड हो जाएगा पूरा वो हाँ एरिया का, 50 पूरा किलो स्टेट का भी कर का। लो आराम से, तो ज्यादा कुछ ज्यादा स्पेस नहीं लेता है वो, तो पूरा स्टेट का भी करके रख लो एक बार, तो ये तो हमेशा के लिए वैसे भी काम आता है आपको नेविगेशन वगैरह में, तो कभी इंटरनेट नहीं है तो आप तब भी नेविगेट कर सकते हो, आप मैप चला सकते हो, तो ये आपके वैसे भी काम आएगा, तो ये एक सेटिंग करना, एक वो डाउनलोड करना, उसके बाद नॉर्मली जैसे आप यूज करते हैं एप्लीकेशन वैसे ही यूज करना है, जैसे करण ने ऑनलाइन में बताया सिंपल वही मेथड में वो काम करेगा, ठीक है। बाद में फिर एक बार जब हो जाएगा ना तो एक बार वहां पे जाओ, इसको बंद कर दो, अभी वापस जाओ। हाँ तो यहाँ पे जैसे लोकल डेटा लिखा है ना ये यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे व्यू का बटन दबाएंगे ना तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा कि कौन कौन सा आपने डेटा लिया, तो ये उसके पूरा सिंक डेटा वाला जो बटन है तो तो कोई उसमें गांव से का विलेज जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे?
हाँ, जैसे भी जो भी आपने डेटा लिया पूरे दिन में, लेट्स से ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो वो यहाँ पे दिखेगा। तो उसमें से क्या आपको सिंक करना है क्या नहीं सिंक करना है, अगर कुछ डिलीट करना है, मान लो आपको लग रहा है नहीं ये नहीं करना है, तो उसको डिलीट कर देंगे, वो ऑप्शन रहेगा वहां पे डिलीट करने का। और जो बचेगा, जो जो आपको सिंक करना है, सिंक डेटा, उसको सिंक बटन दबा देंगे, ऊपर जो बटन दिख रहा है सिंक डेटा वाला, वो दबाने के बाद वो सिंक हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली फिर रिपोर्ट आपका आ जाएगा उसमें, वेब एप्लीकेशन में भी और इसमें भी ऑनलाइन हो जाएगा फिर, तो इस तरह से काम करेगा। पर ये क्वेरी ऐसा था, जैसे अभी ऑनलाइन में हमने वो पॉइंट्स मैप किए थे, वो ऑफलाइन में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, सेम, मैं वो ही बोल रहा हूँ, सेम फंक्शनैलिटी रहेगा, पर मैप पहले हमें डाउनलोड करना होगा उस जगह। हाँ, वो वैसे भी, हाँ वो करना होगा, क्योंकि वो मैप ऑफलाइन में काम तभी करेगा जब वो ऑफलाइन, क्योंकि गूगल से ही लेता है ना मैप, तो ये तो वो गूगल में जाके आप अपना स्टेट का ना, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लें उसको, तो बस कभी भी जरूरत होगा तो एप्लीकेशन यूज कर लेगा उसको। ओके ठीक है, डाउनलोड करायचा कुंभारीचा, त्याच्यातून मग पॉइंट्स तसे परत सिलेक्ट करायचे ऑफलाइन मध्ये, नंतर डाउनलोड केल्यानंतर सिलेक्ट करायचं नेटवर्क असेल तर, त्यापेक्षा ऍक्च्युअल जर करायचं असेल तर तुमचं ते एरिया वगैरे पण मॅच होऊन जाईल, ते कॅल्क्युलेशन वन टाइम आहे तुमचं, ऍक्च्युअलच करावं लागणार आहे, वन टाइम होऊन जाईल, प्रत्येक बंदर जायला लागणार आहे, आपले जे शेतकरी आहेत तेवढेच करायचे। हॅलो स्पेशल हॅलो, हा राजेंद्र, हा करणजी, हा याच्यात अजून काही दाखवायचं आहे आपल्याला? आज के लिए इतना ही है ना सर अफजल जी? हाँ हाँ, फिर क्योंकि एक अभी इसको कर लीजिए राजेंद्र जी, फिर दूसरा स्टेप पे फिर, क्योंकि क्योंकि आगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा फिर अगर एक ही बार में करेंगे ना। मैं आपको ये विलेज वाइज ये दे देता हूँ आपको, कौन से वॉलंटियर के सामने, कौन से ऑफिसर के सामने कितना, कौन सा विलेज है, ठीक है, तो आप वो फिल्टर कर दीजिए उतना। हाँ हाँ, फिर इसमें और ऑप्शन है जैसे प्रोक्योरमेंट अगर कर रहे हैं तो ये है, वो आगे हम वो आगे पे करेंगे, हाँ ना, एक बार में सब कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलेगा। तो आप मुझे लिस्ट दे दीजिए कल, और फिर मैं उसको इमीडिएटली, मैं ये तो अभी नाम आपको अभी दे देता हूँ, कौन से विलेज वॉलंटियर्स के सामने कौन सा गांव है, और लिस्ट ऑलरेडी मेल किया हुआ है, वो मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ हाँ, आप कर दीजिए फिर सुबह, क्योंकि अभी तो टीम नहीं कर पाएगी, सुबह मैं करा दूंगा उसको, सुबह कर दीजिए। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है राजेंद्र जी, थैंक यू टीम, थैंक यू करण जी, थैंक यू राजेंद्र जी, या थैंक यू सर, थैंक यू, ओके ओके भाई, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, thank you all, no issues, ho jata hai aisa to koi issue nahi, theek hai, thank you, okay thank you all, bye।